जी कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये डिप्टी किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर काम है आग लगाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से फड़काऊ राजनीति कर रही है और उस पर बेनकाब होती नजर आई है। किसानों को फड़काने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक नया षड्यंत्र रचा है। इस बार कांग्रेस पार्टी के नए साजिशकर्ता हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह, जिनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाते नजर आ रहे हैं। तो कमलनाथ का ये वीडियो अब कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर पलटवार करती नजर आ रही है। पहले ही टूलकिट कांग्रेस पार्टी को बेनकाब कर चुकी है, लेकिन अब कमलनाथ का ये वीडियो भी कहीं ना कहीं कई सवाल कांग्रेस पार्टी पर खड़े कर रहा है। आपको बता दें, कमलनाथ का ये वीडियो जो सामने आया है उसमें वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत करते हुए किस तरीके से किसानों की आड़ में नई साजिश रचनी है, इसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। किसानों के साथ न्याय हो, ये पहला काम है, लेकिन दूसरा काम यह है कि आग लगाओ। इस तरीके की बातें करते कमलनाथ सिंह इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को यह कहा गया है कि दरअसल ये सही मौका है आग लगाने का, किसानों को ये बताने का कि आखिर सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ गलत उनके साथ हो रहा है, और इस तरीके से वो आग लगाने का काम करें, इस तरीके से दंगा भड़काने का काम करें। ये साफ तौर पर जो निर्देश हैं वो कमलनाथ सिंह अपने कार्यकर्ताओं को देते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब कमलनाथ का ये जो वीडियो सामने आया है साफ तौर पर उस टूल किट का ही हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उस टूल किट में तमाम बातों का जिक्र किया गया था और जिक्र इस बात का भी किया गया था कि आखिर किस तरीके से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए थे। और अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ सिंह, उनका यह वीडियो जिसमें वो साफ तौर पर किसानों के आड़ में किस तरीके से दंगा भड़काया जाए और केंद्र सरकार को बदनाम किया जाए, इसका षड्यंत्र रचते नजर आ रहे हैं। किसानों की हितेशी खुद को कांग्रेस पार्टी कहती है, लेकिन जब ऐसी वीडियो सामने आती है, जब लगातार राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक के ट्वीट सामने आते हैं, वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि किस तरीके से किसानों की आड़ में कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति तो चमका ही रही है, लेकिन देश में दंगा भड़काने का काम कर रही है, हिंसा भड़काने का काम कर रही है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। ना सिर्फ किसान आंदोलन की आड़ में बल्कि कोरोना काल में भी यही खुलासे कांग्रेस पार्टी को लेकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह का यह वीडियो जब सामने आया तो उसके बाद बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करती नजर आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान भी इस वीडियो पर सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी गिधों की राजनीति कर रही है, लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस पार्टी का दरअसल चरण बन गया है। ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जो भड़काऊ है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस शासित राज्यों में भी वहां के मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार वहां राजनीति कोरोना प्रबंधन को लेकर की जा रही है और तमाम अलग अलग तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस वीडियो पर टिप्पणी करते हुए 1984 के दंगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में हुए 1984 के दंगों में अपनी भूमिका निभाई थी, कहीं ना कहीं ऐसी ही भूमिका अब कांग्रेस पार्टी निभाती नजर आ रही है। ऐसा ही एक षड्यंत्र रचने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है और लोग उनको लगातार जवाब भी दे रहे हैं। किसान आंदोलन की आड़ में ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से साजिश रची हो। इससे पहले भी आपको बता दें, लगातार कांग्रेस पार्टी बेनकाब होती नजर आई है। जिस तरीके से उन्होंने किसान आंदोलन की आड़ में दंगे भड़काने का काम किया है,
टूलकिट उस वक्त भी सामने आई थी जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का नाम भी सामने आया था कि किसान नेताओं के साथ मिलकर किस तरीके की साजिश वो रच रही है। लेकिन उसके बाद अब कोरोना काल में भी यही कोशिश एक बार फिर से की जा रही है। बीजेपी की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया है कि बीजेपी इसका कड़ा विरोध करती है और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देगा। जिस तरीके से यह साजिश और षड्यंत्र अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह रच रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, कमलनाथ का जो ये वीडियो सामने आया है इसमें कई टीवी चैनल्स ने राकेश टिकैत, जो कि खुद को किसान नेता कहते हैं, उनसे भी उनका बयान दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन राकेश टिकैत पूरे ही मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। कमलनाथ सिंह के इस वीडियो पर कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर तौर पर राकेश टिकैत भी कहीं ना कहीं इस पूरे षड्यंत्र साजिश का हिस्सा रहे हैं। इससे पहले भी किसानों की जो दिल्ली में दंगा भड़का 26 जनवरी को, उसमें राकेश टिकैत का नाम सामने आया और तमाम पार्टियों के साथ मिलकर जिस तरीके से वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी किसी से छिपा नहीं है। तो किस तरीके से ये बहरूपे किसान नेता, जो कि बीजेपी तरफ से कहा गया है, और ये तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता मिलकर अब किसान आंदोलन की आड़ में देश में दंगा और साजिश के तहत हिंसा भड़काने के जद में है, इसको लगातार अब बीजेपी बेनकाब करती नजर आ रही है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह का ये वीडियो बता रहा है कि आखिर क्या मकसद कांग्रेस पार्टी का है। किसानों की हितेशी वो बनी हुई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान अभी भी आंदोलन पर डटे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनके ही बहकाए हुए किसान हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर राकेश टिकैत जैसे नेता हो, क्योंकि यही तमाम लोग हैं जो लगातार इन्हें बहकाने का काम करते आए हैं और इस तरीके से कोरोना काल में भी बॉर्डर्स पर डटाए रखा है। हालांकि किसानों की जान भी अब कोरोना के चलते जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक कहीं ना कहीं इन किसानों को बॉर्डर्स पर डटाने के लिए पुरजोर तरीके से जिम्मेदार रही है। और जिस तरीके से अब कमलनाथ बेनकाब हुए हैं उसके बाद उनकी फजीहत होती नजर आ रही है, पार्टी से उन्हें निकाला जाए इसकी मांग भी तेज हो गई है और लोग ये कह रहे हैं कि ये भी इसी टूलकिट का एक हिस्सा है जो टूलकिट हाल ही में सामने आई। तो फिलहाल आपको बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश में बेनकाब हो रही है और जो टूलकिट सामने आई है उसके मुताबिक ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो काम कर रहे हैं, उनके नेता काम कर रहे हैं। और इसी की ही बानगी राजस्थान में भी देखने को मिली। राजस्थान के कोटा में MBS अस्पताल में एक महिला की इलाज में बड़ी लापरवाही सामने आई है। उनका ये दावा है कि दरअसल अस्पताल में बेड और ICU खाली पड़े थे, लेकिन बावजूद उसके उन्हें इलाज नहीं मिला। साफ तौर पर डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया कि दरअसल पहले नेता से फोन करवाओ और उसके बाद इलाज पाओ, यानी उसके बाद बेड या ICU मिल सकता है। तो ये आपको बता दें, उसी टूलकिट में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां के स्थानीय नेताओं को ये दिशा निर्देश पार्टी की ओर से मिले थे कि दरअसल बेडों को, जो अस्पताल में बेड हैं, उन्हें अपने अंडर करके रखें। अगर जरूरत के वक्त कोई इलाज के लिए बेड या ICU मांगता है तो जाहिर तौर पर उसे ही इलाज की परमिशन दिया जाए और इस तरीके से क्रेडिट कांग्रेस पार्टी लेगी। ये तमाम दिशा निर्देश उस पूरे टूलकिट में दिए गए थे और उसकी ही बानगी राजस्थान में देखने को मिली, जहां एक महिला की इलाज ना मिलने के चलते मौत हो गई। और इस मौत के लिए भी कांग्रेस पार्टी ही जाहिर तौर पर जिम्मेदार है, जिस तरीके से लोगों की जान लगातार जा रही है और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से क्रेडिट लिया जाए, किस तरीके से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल किया जाए, इसको लेकर नई साजिश और षड्यंत्र रच रही है। अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तमाम दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए हैं और किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर देश की छवि को बिगाड़ा, चाहे उसे बदनाम किया जाए, इसका जिक्र भी उसमें किया गया है। तो जाहिर तौर पर यही कांग्रेस पार्टी की असलियत है जो लगातार बेनकाब हो रही है। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी को लोग जवाब दे रहे हैं और कहीं ना कहीं यही वजह है, यही कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र और साजिश है जिसकी वजह से वो लगातार देश में सिमटती जा रही है और एक के बाद एक जो तमाम राज्य हैं उसके हाथों से फिसल रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, ये न सिर्फ एक ऐसा वीडियो है जो आज कमलनाथ सिंह का सामने आया है, बल्कि तमाम उनके ऐसे वीडियोस पहले भी रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने भड़काऊ बयान दिए हैं। लेकिन आज किसानों की आड़ में ये नई साजिश और षड्यंत्र देश में दंगा और हिंसा भड़काने की घटना जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को बेनकाब करती है और ये बताती है कि आखिर किसानों की हितैषी बनने वाली कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अब देश के किसानों को बहकाने का काम कर रही है और उन्हें जाहिर तौर पर जबरदस्ती बॉर्डर्स पर किस तरीके से डटाए रखे उसके लिए ये तमाम नए पैतरे अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।